नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट की वीडियो पे कमाल का रिस्पांस देने के लिए। ऐसा होने से दोस्तों हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और हमें बड़ी खुशी मिलती है, और ये सब हमें प्रेरित भी करता है आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। आज की वीडियो बात करें तो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है आपके स्मार्टफोन में एक सेफ्टी ऑप्शंस के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ इमरजेंसी SOS के बारे में। वीडियो के आगे हम जानेंगे इमरजेंसी SOS क्या होता है, इंडिया का SOS नंबर क्या है, उस फंक्शन को आप अपने फ़ोन में कैसे ऑन कर सकते हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। और दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में हम बात करेंगे व्हाट्सएप से रिलेटेड एक टिप्स के बारे में। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कोई भी कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उसे लाइफ में किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन लाइफ में ऐसे मौके आ जाते हैं ना चाहते हुए भी जब हमें कुछ इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। जैसे भूकंप का एग्जांपल हम ले सकते हैं, या फिर आपको किसी क्राइम रिलेटेड सिचुएशन में फंसना पड़ सकता है, या फिर आपको कभी किसी रोड पर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों के लिए आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, किसी बिल्डिंग में फायर वाली कंडीशन में फायर बटन लगे होते हैं, किसी कैब में आपने देखा होगा पैनिक बटन होता है, उसको प्रेस करके आप इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प मांग सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ तकरीबन 2017 के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्टफोन के लिए मैंडेटरी कर दिया था। पैनिक बटन की बात कर रहा हूँ मैं। पैनिक बटन या तो स्मार्टफोन में अलग से होता है, या फिर जो फ़ोन का पावर बटन होता है उसमें स्मार्टफोन कंपनियाँ उस फंक्शन को ऐड कर देती हैं। दोस्तों जो फ़ोन का पावर बटन है उसको आप फ़ोन की सेटिंग के अनुसार 3 बार प्रेस करेंगे या फिर 5 बार तो इमरजेंसी SOS नंबर है वो डायल हो जाएगा। इंडिया का इमरजेंसी SOS नंबर है 112। दोस्तों अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि इस फंक्शन को कैसे आप ऑन कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। दोस्तों अब चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, जहाँ पर हम देखेंगे इस फंक्शन को कैसे ऑन करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर रेडमी K20 प्रो फ़ोन को यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल का डाटा कनेक्शन और जो GPS है वो दोनों ही बंद है। अब इसके बाद हम चलेंगे फ़ोन के सेटिंग ऑप्शंस में। दोस्तों अगर आपके पास कोई दूसरे ब्रांड का मोबाइल है तो आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ोन के जो सेटिंग है उसके सर्च ऑप्शंस में जाकर SOS टाइप कीजिए। उसके बाद जो सेटिंग ऑप्शंस खुलेंगे आप वहाँ से जाके इमरजेंसी SOS है उसको ऑन कर सकते हैं। मोस्टली फ़ोन में यह सिक्योरिटी के ऑप्शंस में मिलेगा। आइए दोस्तों हम चलते हैं फ़ोन की सिक्योरिटी वाले ऑप्शंस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड सिक्योरिटी मेंशन इस फोन में, मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे इमरजेंसी SOS का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके बाद इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे फ़ोन में दिखा रहा है मुझे पावर बटन को 5 बार प्रेस करना पड़ेगा। नीचे आप देखेंगे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक कॉन्टैक्ट ऐड किया है। आप मिनिमम 3 कॉन्टैक्ट जरूर ऐड कीजिए, कॉन्टैक्ट में जाके हम ऐड कर सकते हैं। नीचे कॉल हिस्ट्री का ऑप्शन है, आप चाहें तो उसको इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे फंक्शन अब हमने ऑन कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रायल करके देखते हैं क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं। अब मैं क्या करूंगा, पावर बटन है उसको 5 बार प्रेस करूंगा। अब आप देखेंगे कि फोन का जो ये ऑप्शन है ये ऑन हो गया है। मैं फोन को अनलॉक करके आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे आप देखेंगे जो डाटा कनेक्शन और GPS है वो ऑन हो गया है। कुछ फोन में ये ऑन नहीं होता है क्योंकि ये पहले ही परमिशन मांग लेता है SOS सेटिंग ऑन करने से पहले। दोस्तों यहाँ पे नीचे स्टेटस दिखा रहा है, फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि अब हम ट्रायल कर रहे हैं। दोस्तों अब इसके बाद हम चलेंगे दूसरे फोन की स्क्रीन पर, जहाँ पे मैसेज गया है इमरजेंसी SOS सेटिंग का। आइए दोस्तों देखते हैं उस फोन को। दोस्तों SOS में मैंने ये नंबर डाला हुआ था, अब इस पर मैसेज आ गया है। मैसेज ओपन करने पर आप लोग क्या देखते हैं कि लोकेशन का लिंक भी साथ में दिया हुआ है। आप इस लिंक पर क्लिक करके उस फ़ोन की लोकेशन का पता कर सकते हैं। आप देखेंगे फ़ोन की बैटरी और सिग्नल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे मेंशन है। हर किसी मैसेज में अलग अलग होता है ये, हर किसी ब्रांड के अनुसार। लोकेशन को मैंने अभी हाइड कर रखा है प्राइवेसी सेटिंग के कारण। दोस्तों आप इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, उस फ़ोन की लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं आप आसानी से। दोस्तों वीडियो में मैंने आप लोगों को एक नंबर सेव करके एग्जाम्पल दिया, लेकिन आप कोशिश करें 3 नंबर डालें और तीनों नंबर डिस्टेंस पे हो। मतलब ऐसा ना हो आपने तीनों नंबर अपने घर के डाल दिए और घर पे ही कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो गई तो आप लोग मदद नहीं करवा पाएंगे। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक किसी पड़ोसी का नंबर डाल सकते हैं, एक किसी रिलेटिव का डाल दें, या एक किसी फ्रेंड का जो डिस्टेंस पे रहते हों, ताकि आप लोगों को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में पूरी मदद मिल जाए। दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था व्हाट्सएप टिप्स के बारे में, एक काफ़ी कमाल का फंक्शन है व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन शेयरिंग। मैं उसको कैसे यूज़ करता हूँ सेफ्टी फीचर के तौर पर,
जब भी मैं लेट नाइट ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, अपनी लाइव लोकेशन घर पे सेंड कर देता हूँ। आप लोग इस फंक्शन के बारे में अपने फीमेल मेंबर जो फैमिली में है उनको ज़रूर बताएं। उस सिचुएशन में क्या होता है दोस्तों, कोई भी अनहोनी या फिर कोई अनचाही सिचुएशन बनती है तो मेरे घर वालों को मेरी लाइव लोकेशन पहले ही पता होती है। वो फ़ोन पर ट्रैक कर लेते हैं कि मेरी गाड़ी कहाँ तक पहुँच चुकी है। इससे दोस्तों क्या होगा, किसी भी प्रकार की अनहोनी में हमें जो जल्दी से जल्दी एक्शन लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस फंक्शन को आप कैसे ऑन कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोन में अब व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और देखते हैं इस ऑप्शंस को कैसे यूज़ करें। मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर लिया है और जैसे ही मैं कीबोर्ड को ओपन करता हूँ, अटैचमेंट वाले ऑप्शंस में लोकेशन का ऑप्शंस दिखा रहा है। अभी फ़ोन का जीपीएस डिसेबल्ड है तो मैंने इसको ऑन कर दिया है। दोस्तों अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है शेयर लाइव लोकेशन का। 3 तरह के टाइम मेंशन है, 15 मिनट, 1 घंटा, 8 घंटा। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए कमेंट में मैंने डाल दिया कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ और मैंने एंटर प्रेस कर दिया, उसके बाद मैसेज जाएगा जिस पे मैंने लोकेशन को शेयर किया है। वो क्या करेंगे, आप लोगों की लाइव लोकेशन को आसानी से देख सकते हैं। जितने भी फीमेल हैं उनको तो मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ इस ऑप्शंस को यूज़ करें, इस ऑप्शंस की आदत डालें। अगर आप लेट नाइट सफ़र कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइव लोकेशन को अपने घर पर भेजें। दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आप लोगों को लाइफ सेविंग ऑप्शन जो स्मार्टफोन में मौजूद है उसके बारे में बताया। आप इस फंक्शन को ऑन कर लीजिए अपने फ़ोन में और साथ ही साथ अपने जो फैमिली मेम्बर हैं उनके स्मार्टफोन में भी इस फंक्शन को ऑन कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि सब लोगों को स्मार्टफोन के इस फंक्शन के बारे में पता हो। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।